तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अभी अड़भार में, अड़भार नगर पंचायत में, और अभी हम माँ अष्टभुजी का दर्शन करेंगे। ये यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर है माँ अष्टभुजी का, दक्षिणमुखी माँ अष्टभुजी का मंदिर है यहाँ, और ये शक्ति से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अड़भार नगर पंचायत जो है। तो चलिए मैं आपको माँ अष्टभुजी का दर्शन कराता हूँ और उनके बारे में कुछ इतिहास के बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ है मंदिर के पास की कुछ नारियल पूजा सामग्री वगैरह की दुकान है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार। यह मंदिर भारत सरकार के पुरातत्विक विभाग द्वारा संरक्षित है, जिसके तहत इस मंदिर को ना तो पुनर्निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये का अर्थदंड या दोनों ही दिया जा सकता है। ये देखो मंदिर में अंदर ही बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। ये भगवान शिव की प्रतिमा, बीच में नंदी। यहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं छोटी छोटी खंडित अवस्था में। मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। ये मंदिर एक विशाल इमली पेड़ के नीचे पर स्थित है। यहाँ पर भी एक शिवलिंग है। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से गुप्तकाल के इतिहास से इसको जोड़ा जाता है। मंदिर का डिजाइन जो है नागर शैली से लगभग मिलता जुलता है। ये मंदिर जो है लगभग 1500 साल पुराना है। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ अड़भार में 8 द्वार हुआ करता था, इसी के वजह से इसे शायद अड़भार नाम पड़ा जो है। यहाँ एक पुरातत्व अभिलेख भी मिले हैं, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है किसी भी पुरातात्विक वैज्ञानिक के द्वारा। पूरे भारत में कलकत्ता के बाद केवल अड़भार में ही माँ काली का, माँ अष्टभुजी का दक्षिणमुखी रूप का प्रतिमा विद्यमान है, स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ अड़भार में घर की नींव खोदते समय अभी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल जाती है, और यहाँ कभी किसी ज़माने में 126 तालाब हुआ करते थे, जो कि अभी कालांतर में नहीं है। यह है माँ अष्टभुजी। माँ अष्टभुजी की 8 भुजाएं होने के कारण इनको अष्टभुजी कहा जाता है, और ये दक्षिण की मुख, दक्षिण में इनका मुख है, इसलिए इनको दक्षिणमुखी कहा जाता है। जय माँ अष्टभुजी। बगल में देवगुण गुरु, और साथ में और बहुत सारे देवी देवताओं का मूर्तियां हैं।
मंदिर पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है अभी। देखो मंदिर में केवल टीन की ही छत है, टीन का चद्दर। और रात्रि के समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है और देश से, छत्तीसगढ़ से बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। देखो मंदिर के बाउंड्री वाल के बाहर में पूरा घर वर है, बस्ती है। और वह मेन रोड शक्ति से मात्र 11 किलोमीटर है। शक्ति जो अभी जिला बनने वाला है वर्तमान में, शक्ति रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर। देवन गुरु के नाम लसुन के माता जी का घंटा देखो, ऊपर इमली के टहनी से बंधा हुआ है। पंडित जी बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है इनके बारे में। इनके पिताजी पहले यहाँ बैठते थे, उन लोग को ज़्यादा मालूम है। और बोले कि ये छहमासी मंदिर है। छहमासी मतलब जिसका निर्माण 6 महीने में हुआ रहता है, क्योंकि 6 मासी के पुराना हिसाब से बोले तो 6 मास का 1 रात होता था, 1 रात, और 6 महीने का 1 रात और 6 महीने का 1 दिन। ये रोड से बस लगा हुआ है मंदिर परिसर। ये देखो श्रद्धालु लोग आए हैं, इधर कुछ लोग जलपान कर रहे हैं। और मंदिर परिसर में ये 2 मुड़ही का पेड़ है, एक ही साइड लेफ्ट राइट में एक एक है। मुड़ी हम लोग छत्तीसगढ़ी मुड़ी बोलते हैं इनको। और ध्वजा भी लगा हुआ है इमली पेड़ के ऊपर, और इसमें इमली भी लगा हुआ है अभी। काफ़ी पुराना मंदिर है, 1500 साल पुराना है लगभग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा माँ अष्टभुजी का दरबार आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और जिन्होंने दर्शन कर लिया है वो भी ज़रूर बताना कमेंट में। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कभी और नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। चूँकि यहाँ अड़भार में तालाबों का बहुत ज़्यादा जिक्र है, 126 तालाब हुआ करता था पहला कालांतर में, लगभग 29-30 होंगे। तो देख लो एक तालाब का दर्शन, और तालाब किनारे में शिवलिंग